हम लोग वीडियो में ये बताने वाले थे आपको शादी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है शादी के बारे में कि शादी के हे फैमिली वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फैमिली छठ पूजा तो खत्म हो गया था और छठ पूजा में हम लोग बेसिकली ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि हम लोग के यहाँ छठ पूजा होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग ब्लॉग 3-4 दिन डाल नहीं पा रहे थे क्योंकि सारा यूट्यूब पे सिर्फ छठ पूजा का ही कंटेंट शो हो रहा था, तो नॉर्मल कंटेंट मतलब क्या ही डालते, इसलिए हम लोग डाल नहीं पा रहे थे। तो चलिए मिलाते हैं बहुत दिनों के बाद आपको नेहा से। हे फैमिली, तो बहुत दिन बाद आप लोग को गुड मॉर्निंग। अभी हम बना रहे सोयाबीन आलू का सब्जी। बहुत दिनों के बाद रस वाला मंगना है, नहीं तो मुझे ही बन रहा था। और दाल चढ़ा हुआ और बनाने वाले सत्तू पराठा, सत्तू पराठा और सादा रोटी भी एक दो को बनाएंगे। किसके लिए? कोको के लिए? नहीं, तुम सादा खाओगे? एक दो को खाएंगे दिन के लिए। भात मन नहीं है, चावल मन नहीं है, और चावल तो बन गया यहाँ क्या रखा। कोको यहाँ बदमाशी कर रहा है। बस इसको बदमाशी करना है। को को आजा 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 को ए ए ए ए बहुत तेज। हे फैमिली, तो कांग्रेचुलेशन, आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच था और इंडिया जीत गया, जिसमें बहुत मजा आया। और नेहा हमको देख देख के हंस रही है कि ई क्या ब्लॉग में आप बोल रहे हैं, तो इंडिया जीत गया इसलिए हम ब्लॉग में बोल रहे हैं, समझी। और अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, और मार्केट क्यों जाने वाले हैं ब्लॉग में बने हुए रहिएगा। तो हम लोग अभी मार्केट जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा इतना सारा शॉपिंग किए फिर भी कुछ कुछ छूट गया है, और क्यारा का सारा ड्रेस फिटिंग भी कराने के लिए देना है, और फिर देखते हैं और भी बहुत सारा काम है। तो आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल हम लोग फिर से मार्केट जाएंगे, और आज का काम यही है क्यारा का सारा ड्रेस देना है इसका हत्था वत्था लगाने के लिए, क्योंकि उस टाइम तो ठंड भी रहेगा। और हम लोग ये ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग लास्ट में ब्लॉग में एक चीज़ शादी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग देखिएगा। हे गाइस, तो अभी हम लोग आए हुए हैं क्यारा का कुछ जो जितना भी कपड़ा खरीदे थे हम लोग कोलकाता से या यहाँ से जहाँ से भी खरीदे थे, तो सब हाफ तो बाजू था, और थोड़ा ठंड बढ़ने वाला, शादी का जो डेट है वो थोड़ा ठंड में है, वो डेट हम बताएंगे, तो उसके लिए थोड़ा बाजू वगैरह का कपड़ा हम लोग खरीदने के लिए आए हुए हैं। मिल रहा है? हाँ, एगो का तो मिल गया, दो का मिल गया। का कपड़ा तो अभी नहीं दिखाएंगे, बस क्या कपड़ा ले रहे हैं ये सब कपड़ा, इस टाइप का कपड़ा, ताकि बाजू लग जाए नेहा का और क्यारा का दोनों का, और कपड़ा बीच में रखा हुआ इसलिए हम घुमा के कैमरा उधर ले जा रहे हैं। यहाँ नीचे हल्का सा दिख गया, तो वो अलग से उसका वीडियो बनाएंगे। क्यारा कहाँ चली, तुम कहाँ जा रही हो? बाजार में तो हो ही, आप कहाँ जाओगे तुम? और कौन सा बाजार में जाओगे? टेंशन में रहती है। वहाँ पे जाते हैं। कहाँ पे? वहाँ पे रोड है, गाड़ी चलता है, चढ़ जाएगा गाड़ी तुमने ऊपर तक। शर्माती हो सकता है वो नेट, प्लेन नेट है ना, वो आपका डिजाइनर नेट है तो वो लगवा देंगे। तो का हो ही गया है, और क्यारा तो अलग यही कपड़ा समेट रही है दुकान, यही दुकान में रह जाओ तुम, दुकान में रहेगी। हाँ। जाए हम लोग। हाँ। सामान बेचेगी? हाँ, हाँ। क्या क्या बेचेगी? सामान तो ये लिए हैं क्यारा के लहंगा के लिए, भी पहनेगी लटका नहीं लो, नहीं लो, क्यारा बदमाशी करती है, नहीं लेंगे, लेंगे। नहीं लेंगे, लेंगे। अच्छा है क्यारा? हाँ। ऐसा ही मिल रहा है, मतलब सेम है डिजाइन, तो इसलिए ये वाला पसंद। अब हो गया, और अब हम लोग सारा कपड़ा जा रहे हैं क्यारा का टेलर को देने के लिए, सब में हत्था लगाने के लिए, और लेस लगाने के लिए भी दे रहे हैं, तो देखते हैं।
दुकान खुला हुआ है ना। हे फैमिली, तो अभी हम लोग आए हुए हैं टेलर के दुकान पे, और मतलब चार पांच टेलर के दुकान मतलब घूमे, इधर उधर गए, कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि लहंगा है और क्यारा क्या क्यारा का चूड़ीदार है पैजामा वाला, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, बोल रहा था होगा गलत हो जाएगा। तो एट लास्ट फाइनली चौथा पांचवा दुकान में एक्सेप्ट किए हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा से ही करेंगे। तो अभी क्यारा और नेहा दोनों नाप दे रहे हैं। नाप दो क्यारा, हो गया। तो फाइनली इतना मतलब खोजने के बाद मिल ही गया, एक्सेप्ट कर ही लिया ना। देखो हिले उले ने नाप अच्छा से दे, लेज खाने के चक्कर में लगी हुई है, लेज लाओ फेंक देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी दो नाप अच्छा से। मैं चिल्लाई कितना जोर से, खा ली सब खा ली। अच्छा चलो अब घर पे रोटी खाना, ठीक है। और है दिखाओ, तो वीडियो में दिखाओ, कहाँ इसमें तो चूर है, चूर खाएगी, लाओ फेंक दे दूसरा देंगे। खुश हो गई। ठीक है, तो हम लोग मार्केट से आ गए और सारा ड्रेस क्यारा का दे दिए, और मेरा भी एक दो सूट था जो बहुत ढीला होता था, तो उसको ही फिटिंग कराने दिए हैं, तो फिर परसों देगा। फिर हम लोग को कल एक दो और रह गया तो वो भी देना है, तो फिर कल मार्केट। और एक चीज और दिखाते हैं नेहा का, देखिए टन टन एकदम बेड पे पूरा कपड़ा ही कपड़ा फेंकी हुई है, हद हो गया ना। फेंके नहीं है, सब आज धोए हैं, सब आज उठाए हैं, तो पसारे उठाए, दो चादर है इसमें, इसलिए अब घर जा रहे तो सब धो धो के रख रहे हैं और सब समेटेंगे अब कल हम, क्योंकि आज तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो और थोड़ा देर आप लोग को इंतजार करना होगा, उसके बाद हम लोग रिवील करने वाले हैं कि मेरे भाई का शादी का डेट कब है, तो वही बताएंगे हम लोग लास्ट में शादी का डेट। तो अभी क्यारा दूध रोटी खा रही है, और आज हम लोग भी दूध रोटी खा रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं। तो दिखाइए आज आपका दूध दूध रोटी, मेरा पेट का दिखा रही हो, दूध रोटी का दिखा रहे हैं। और मेरा वहाँ रखा हुआ है कटोरा में, उसको थोड़ा फूलने के लिए दिए, तो आज सब दूध रोटी खा रहा है। हे गाइस, तो हम लोग जैसा कि बताए थे कि वीडियो में बने रहिएगा, तो आज किस चीज से रिलेटेड हम लोग बताने वाले हैं वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वो क्यारा बताएगी, क्यारा से हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक दो, और क्यारा ही बता देगी क्या है। हाँ। तो करो क्वेश्चन, देखते हैं वो बता पाती है कि नहीं। आप कीजिए, पहले तुम करो, आप पहले, नहीं पहले तुम। क्यारा। हाँ। क्या होने वाला है बेटा मामा का शादी? अरे वाह, और दूसरा क्वेश्चन पूछो, और कौन आने वाली है क्यारा? मामी। इसको सब पता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यारा बोल रही है कि इसकी मामा का शादी होने वाला है, और इसकी मामी भी आने वाली है ना क्यारा। मामी को भी पहचान गई है फोटो देख देख के। हम लोग वीडियो में ये बताने वाले थे आपको शादी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, कि तो हम लोग ये बताने वाले हैं शादी के बारे में कि शादी किस डेट को है। हाँ क्यारा, तुमको पता है तुम्हें मामा का शादी किस डेट को है, कब? चार बजे। चार तो बज ही जाएगा शादी में, ये तो तुम सही बोल रही है, लेकिन कब है पता है? कब है बताओ। नहीं पता है, कौन बताएगा बताओ, कौन बताएगा? मम्मी। अरे वाह, मम्मी बताएगी, तो मम्मी तुम ही बताओ। तो भाई का शादी होने वाला है नवंबर में ही है, बहुत जल्द है ना। क्या तुम खड़ी क्यों हो गई, बैठ जाओ। और कितने नवंबर को है बता दो। तो शादी 20 नवंबर को है। 20 नवंबर है, और एक हम लोग के घर में फिर से न्यू मेंबर आने वाला है, आने वाली है, तो शादी के बाद। शादी के बाद तो हम लोग का बहुत जल्द पूरा शादी का भी ब्लॉग आएगा, टोटली ब्लॉग आएगा, A to Z, बिना रुके बिना अटके, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली। हाँ। है ना, तो शादी का ब्लॉग हम लोग टोटली डालेंगे कि क्या मतलब सारा आप लोग को दिखाएंगे, सारा बिहार का सारा क्या नियम, बिहार का नियम या शादी का, बिहार में शादी, बिहार का शादी कैसा होता है, तब तो बिहार का ही लोग देख रहा है तो सबको पता ही होगा, लेकिन बहुत लोग को पता नहीं है, मतलब
हमको भी मतलब है लेकिन उतना याद नहीं है, नहीं उतना पता है कि शादी का क्या क्या नियम है, तो इसलिए आप लोग ब्लॉग पूरे हम लोग का हमेशा बने रहिए और अपडेट रहिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिए ताकि आप लोगों नोटिफिकेशन जाते रहे हम लोग के ब्लॉग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय कर दो क्या बाय।